जब भी हमसे कोई पूछता है कि भारत को अंग्रेजों से आजादी किसने दिलाई, तो हम में से एक विचारधारा के लोग तो बोलते हैं कि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे लोगों ने दिलाई, जबकि दूसरी विचारधारा के लोग बोलते हैं कि सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल और भगत सिंह जैसे लोगों ने आजादी दिलाई। अब ये तो सबकी अपनी अपनी सोच है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जरा एक बात सोचिए, आज के टाइम में हमारे देश पर जब भी कोई संकट आता है तो सबसे आगे कौन खड़ा होता है? हमारी आर्म फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। तो जरा सोच के बताइए, क्या हमारे आजादी के स्ट्रगल में हमारी आर्म फोर्सेस का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था? ऑफ कोर्स था, बहुत था। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही एक कंट्रीब्यूशन की बात करने वाले हैं, एक ऐसा इंसिडेंट जिसके बारे में हमने कभी ना सुना था, ना हमें कभी ज्यादा बताया गया, ना पढ़ाया गया, लेकिन ये इंसिडेंट ऐसा था जिसने ब्रिटिश हुकूमत को ऊपर से नीचे तक हिला के रख दिया था। हम बात कर रहे हैं 1946 के द रॉयल इंडियन नेवल रेटिंग रिवोल्ट के बारे में, या फिर 1946 का नौसैनिक विद्रोह, उसके बारे में। अब इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो के एंड में हम आपको ये बताएंगे कि आखिर इस रिवोल्ट की इतनी ज्यादा क्या इंपॉर्टेंस थी, ये विद्रोह जो खाली 4 से 5 दिन तक चला था, हम आखिर इसकी बात कर क्यों रहे हैं, इतना क्या इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सिंपल शब्दों में 1946 का रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट एक ऐसा रिवोल्ट था जिसमें नौसेना के रेटिंग्स यानी कर्मचारी और जवानों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। देखते ही देखते जो विद्रोह खाली कर्मचारियों और फौजियों ने शुरू किया था, उसमें पुलिस और आम आदमी भी जुड़ने लग गए थे। अब आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये बताएं कि ये रिवोल्ट कैसे हुआ, कैसे कैसे क्या हुआ, कब हुआ, उससे पहले हम आपको छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं ताकि आपको ये समझ आए कि इस रिवोल्ट की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है। 1976 में पीवी चक्रवर्ती, जो कि कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने एक खत लिखा। उस खत में उन्होंने ये कहा कि ठीक 20 साल पहले 1956 में जब ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर क्लिमेंट एटली इंडिया आए थे, तो पीवी चक्रवर्ती जी ने उनसे पूछा कि भाई महात्मा गांधी की क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन, वो तो 1947 से काफी पहले ठंडा पड़ चुका था, तो आखिर ऐसा क्या कारण था कि अंग्रेजों को इतनी जल्दी जल्दी करके इंडिया को छोड़ के भागना पड़ा? तो क्लिमेंट एटली ने इतना जवाब दिया कि इसके दो कारण थे। पहला कारण तो था सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी, उसने अंग्रेजों के नाक में दम करके रख दिया था, और दूसरा कारण उन्होंने ये बताया कि जो आर्मी और नेवी में म्यूटनीज हुई थी, विद्रोह हुए थे, वो बहुत बड़ा कारण था जिसकी वजह से हमें छोड़ के जाना पड़ा। और जब उनसे ये पूछा गया कि महात्मा गांधी की क्विट इंडिया मूवमेंट का क्या असर था, तो उन्होंने कहा मिनिमल यानी न्यूनतम। तो ये जो आर्मी और नेवी के रिवोल्ट्स की यहां बात हो रही है, इन्हीं में से एक रिवोल्ट है 1946 का रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट। द रॉयल इंडियन नेवी जो थी वो वर्ल्ड वॉर टू से पहले एक छोटी सी नेवी ही थी, इनफैक्ट ये फुल फ्लेज्ड नेवी भी नहीं थी, ये बस जो मेन नेवी थी उनको सपोर्ट करा करती थी, एस्कॉर्ट करना फॉर एग्जांपल। लेकिन वर्ल्ड वॉर टू के टाइम इंडियन नेवी के साइज को यानी शिप्स की संख्याओं को और कर्मचारियों की संख्या दोनों को एकदम से बढ़ा दिया गया था, और इंडियन नेवी ने जापान को रोकने के लिए बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किया था। अब इस विद्रोह में आप बार बार एक शब्द सुनेंगे, नेवल रेटिंग्स, क्योंकि ये विद्रोह नेवल रेटिंग्स ने किया था। तो ये रेटिंग्स क्या है? तो रेटिंग्स या फिर रेट एक ऐसे कर्मचारी का नाम होता है शिप पर जो कि रैंक में सबसे नीचे आता है। इनका काम मेनली होता है बाकी फौजियों की और सोल्जर्स को हेल्प करना, उन्हें सपोर्ट करना, और साथ ही में ये शिप के और जॉब्स भी करते हैं, फॉर एग्जांपल साफ सफाई करना। तो आप समझ सकते हैं कि जो रेटिंग्स थे वो रैंक में सबसे नीचे आते थे। अब बात ये उठती है कि आखिर उन्हें विद्रोह क्यों करा, तो उसके कई कारण थे और बहुत छोटे छोटे और बेसिक कारण थे। फॉर एग्जांपल एक कारण था एकोमोडेशन यानी रहन सहन, इनको जो रहने के लिए जगह दी जाती थी वो कुछ खास अच्छी होती नहीं थी। दूसरा कारण था बर्ताव अंग्रेजों का, क्योंकि अंग्रेज जो थे इनसे बड़ी बदतमीजी से बात करते थे, कभी ढंग से इज्जत से बात नहीं करते थे, मुंह नहीं लगते थे, बहुत गंदा गंदा सुनाते थे। और अगर हम बात करें सैलरी की, तो सैलरी में भी सेम ही रैंक का जो अंग्रेजी कर्मचारी होता था उसको इनसे ज्यादा सैलरी मिलती थी, तो ये बात भी इनको बहुत अजीब लगती थी। और एक बहुत बड़ा कारण था खाना वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट reasons, क्योंकि इनको जो खाना दिया जाता था वो बहुत ही सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का होता था। इनफैक्ट ये विद्रोह जब हुआ था इससे करेक्ट 1 महीने पहले अराउंड 16 फरवरी को मुंबई में एक रेटिंग्स का ग्रुप आता है, तो जब पता चला कि रेटिंग्स का ग्रुप आ गया है तो इनको खाना देने के लिए तैयारी की गई। तो जो बावर्ची था उसने ऐसे ही कुछ ब्रेड के टुकड़े लिए और जो करी थी सब्जी थी उसमें कुछ पानी मिला दिया और ब्रेड डाल के दे दिया। अब ये खाना इतना बेस्वाद था कि रेटिंग्स ने इनको हाथ तक नहीं लगाया इस खाने को। तो ये तो उन कई हजारों में से एक इंसिडेंट था जिसकी वजह से रेटिंग्स परेशान थे। इनके अंदर बहुत बदले की भावना जो है जाग रही थी, और जब ये कभी ढंग का खाना मांगते भी थे तो अंग्रेज इनसे कहते थे कि तुम भिखारी हो और भिखारी चुनते नहीं है, बेगर्स कांट बी चूजर्स। तो ये सब रीजंस थे जिनकी वजह से इनके अंदर बहुत ज्यादा आग उठ रही थी, ये विद्रोह करने को तैयार थे और इन्होंने विद्रोह कर दिया।
तो 18 फरवरी 1946 को ये म्यूटिनी शुरू हुई। इसी दिन HMIS तलवार के करीब 1100 रेटिंग्स ने एक भूख हड़ताल लॉन्च करी। HMIS तलवार का मतलब है His Majesty's Indian Ship, और ये कोई शिप नहीं है एक्चुअल में, ये एक शोर एस्टेब्लिशमेंट था जो कि समुद्र के किनारे था। यहाँ पर जो है इंडियन नेवी के रेटिंग्स और सोल्जर्स को ट्रेन किया जाता था कम्युनिकेशन और रडार की ट्रेनिंग में। अब इन्होंने यहाँ पर भूख हड़ताल लॉन्च कर दी और भूख हड़ताल के साथ साथ इन्होंने एक स्लो डाउन स्ट्राइक भी शुरू करी। स्लो डाउन स्ट्राइक का मतलब था जो रेटिंग्स थे, कर्मचारी थे, ये अपना काम तो कर रहे थे लेकिन बहुत धीरे धीरे कर रहे थे जानबूझ के, और जो ब्रिटिश अफसर आ रहे थे ये उन्हें बाएं हाथ से लेफ्ट हैंड से सैल्यूट कर रहे थे, क्योंकि नॉर्मली तो राइट से किया जाता है लेकिन एज अ फॉर्म ऑफ डिसरिस्पेक्ट ये उनको लेफ्ट हैंड से सैल्यूट कर रहे थे। अब ये सब देखकर जो है जो HMIS तलवार के कमांडर थे FM किंग, उनका सर चकरा गया, उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने इनको रेटिंग्स को बोल दिया कुत्ते के बच्चे। अब ये सुन के रेटिंग्स का पारा एकदम सर पे चढ़ गया और सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो गई। अब आपके आसपास जब भी कोई स्ट्राइक होती है, हड़ताल होती है, वो क्यों होती है? अपनी कुछ मांगों को मनवाने के लिए। तो ऑब्वियसली ये भी जो स्ट्राइक थी इसके पीछे भी कुछ मांगे थी। तो बेसिकली जो शुरुआत में मांगे थी वो ये थी कि भाई आप लोग हमें ठीक ठाक रहने वहने की जगह दीजिए और खाना पीना अच्छा दीजिए, यानी कंडीशंस, वर्किंग कंडीशंस आप अच्छी दीजिए। लेकिन धीरे धीरे डिमांड्स बढ़ती गई, जो कि पहले सीधे खाने पीने की मांगे थी अब बढ़ के मांग पहुंच चुकी थी कि जो INA के प्रिजनर्स हैं और जो पॉलिटिकल पार्टी के प्रिजनर्स हैं इनको रिलीज करो। और आगे उन्होंने ऐसे कहा कि भाई जो हमारी सैलरी है वो अंग्रेजों के बराबर होनी चाहिए जो हमारे सेम रैंक के हैं, और जिन कमांडर्स ने ऑफिसर्स ने हमारे साथ गंदा बर्ताव किया है आप उनके खिलाफ एक्शन भी लेंगे। इसी के साथ हमारे जो साथी बाहर के देशों में गए हुए हैं लड़ने के लिए आपकी सेना के साथ उनको तुरंत वापस लाया जाए। तो आप देख सकते हैं डिमांड्स जो है धीरे धीरे बढ़ रही थी। अब ये हड़ताल शुरू तो खाली HMIS तलवार में हुई थी लेकिन अभी देखते ही देखते बाकी बॉम्बे में भी फैलने लगी। जो नेवल रेटिंग्स थे इन्होंने गाड़ियों में और ट्रकों में चढ़कर पूरी बंबई में चक्कर लगाना शुरू करा। इनके हाथ में कांग्रेस के झंडे थे, इनके हाथ में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर थी क्योंकि वो उनके अब इंस्पिरेशन बन चुके थे। जिस रिवोल्ट में पहले खाली फौजी थे उसमें अब देखते ही देखते पुलिस वाले भी शामिल हो गए और उसके बाद जो आम आदमी है वो भी शामिल हो गया, यानी हर तरह का आदमी मिल चुका था। एक तरफ लेबर एसोसिएशन था जो जुड़ चुका था, दूसरी तरफ स्टूडेंट्स यूनियन थे जो भी जुड़ चुके थे, जगह जगह पर हड़ताल हो रही थी, मीटिंग हो रहे थे, प्रोसेशंस हो रहे थे, माहौल बहुत ज्यादा गर्म हो चुका था। 18 फरवरी की अगली सुबह करीब 10,000 से 20,000 सेलर्स स्ट्राइक में जुड़ चुके थे। ये सेलर्स थे कराची के, कलकत्ता के, विशाखापट्टनम के, अंडमान निकोबार आइलैंड्स के। अब ये जो रिवोल्ट था पूरी तरह फैल चुका था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी इसका बहुत तगड़ा जवाब दिया और इस जवाब में 220 लोगों की जान गई और 1,000 से ज्यादा लोग इंजर्ड भी हो गए थे। देखते ही देखते हर शिप के ऊपर से ब्रिटेन के झंडे को नीचे कर दिया गया और इन रेटिंग्स के सामने जो भी आ रहा था, जो भी अंग्रेज आ रहा था उल्टा बोलने, कुछ मना करने के लिए, उनको अच्छी तरह से पीटा इन रेटिंग्स के अंदर। इनफैक्ट जो भी यूरोपियन इनसे फालतू बोल रहा था उन्हें अच्छी तरह से पीटा गया। अंग्रेजों के पैरों तले जमीन तो तब खिसकी जब उन्होंने जो गुरखा होते हैं इंडियन आर्मी के अंदर उन्हें ऑर्डर दिया था कि आप लोग इन पर फायर करें, लेकिन गुरखास ने मना कर दिया कि हम फायर तो नहीं करेंगे। यानी हर तरफ से सपोर्ट इकट्ठा होते ही जा रहा था। पूरे बॉम्बे के अंदर रिलीज INA प्रिजनर्स, जय हिंद, इस तरह के नारे लगाए जा रहे थे, स्लोगन्स लिखे थे, वो दिखाए जा रहे थे। माहौल बहुत ज्यादा गर्म हो चुका था। मजा तो तब आया जब स्ट्राइक के तीसरे दिन मुंबई हार्बर के ऊपर से इंडियन एयरफोर्स के कुछ प्लेन्स निकल गए। अब अंग्रेजों को लग रहा था कि बात हाथ से निकल रही है। इन्होंने अल्टीमेटम दे दिया कि आप लोग तुरंत सरेंडर कर दीजिए। और इस तरफ माहौल बहुत ज्यादा गर्म था क्योंकि हर आदमी लड़ने को तैयार था। सिर्फ फौजी ही नहीं, फौजी, पुलिस वाले, सफाई कर्मचारी, क्लर्क, हर कोई तैयार था डू ऑर डाई बैटल के लिए कि अब तो आज लड़ ही जाएंगे इनसे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इन नेवल रेटिंग्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला नहीं, किसी भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ने इनका साथ नहीं दिया, इसलिए ये रिवोल्ट जो है 4 से 5 दिन के अंदर ही खत्म हो चुका था। अब इन्होंने सरेंडर कर दिया लेकिन सरेंडर के टाइम कुछ टर्म्स होती है जिन पर डिस्कशन किया जाता है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तुरंत कह दिया कि भाई अब आपको हम अच्छे रहने की जगह देंगे, एकोमोडेशन देंगे, खाने का बहुत ध्यान रखेंगे। इसी के साथ उन्होंने ये भी बोला कि आपने जो डिमांड रखी है कि इंडियन नेशनल आर्मी के प्रिजनर्स को रिलीज कीजिए, हम इस पर बहुत गहराई से विचार भी करेंगे। इस पूरे रिवोल्ट में इंडियन नेवी के 34 सेलर्स और एक ऑफिसर की जान गई जबकि 34 लोग इंजर्ड हो गए थे। और इसी के साथ 476 सोल्जर्स जो थे उनको ड्यूटी से डिस्चार्ज कर दिया गया। इस पूरे रिवोल्ट में जो सबसे बड़ी दुख की बात थी वो ये थी कि इस रिवोल्ट में इन रेटिंग्स को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया, चाहे वो कोई इंडियन नेशनल कांग्रेस का मेंबर हो या फिर वो मुस्लिम लीग का मेंबर हो, किसी भी बड़ी पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया। हाँ, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस में एक लीडर थी अरुणा असफ अली, जिन्होंने इनका खुल के सपोर्ट किया था।
दूसरी तरफ महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को क्रिटिसाइज किया था, उन्होंने कहा था इस तरह की हम मूवमेंट का कभी साथ नहीं देते हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग ने भी इस मूवमेंट का बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया था, लेकिन एक पार्टी थी जिन्होंने इसका सपोर्ट किया था, वो थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अब लोग तरह तरह के रीजन देते हैं कि क्यों इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इनका सपोर्ट नहीं किया। कुछ लोगों का कहना यह है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग थी, ये एक बहुत ही बड़े लेवल की पार्टीज थी। अब देश को आजादी दिलाने की जिम्मेदारी मोर और लेस इन्हीं के कंधे पर थी, और इनमें से कुछ लोग ऐसा लगा कि भाई अगर हमारे अलावा कोई ऐसी मूवमेंट शुरू करता है जो कि हमें आजादी दिला दे तो हमारी अथॉरिटी, हमारी पावर तो कम हो जाएगी। इसलिए इन बड़ी पार्टीज में से कुछ लोगों को ऐसा लगा कि नहीं, हमें इन्हें सपोर्ट नहीं करना चाहिए। लोगों का ये भी कहना था कि इन पार्टीज के अंदर जो मेंबर थे वो बहुत ही अपर क्लास के थे, इलीट मेंबर्स थे, तो इन मेंबर्स को ये बात रास नहीं आई कि कोई भी छोटा मोटा फौजी ये विद्रोह कैसे शुरू कर सकता है जिससे हमारे देश को आजादी मिल जाए। अब ये तरह तरह की बातें हैं जो लोगों को लगती है ऐसा रीजन था। तो ये नेवल रिवोल्ट 4 से 5 दिन के अंदर ही खत्म हो गया। अब ब्रिटिशर्स के कान खड़े हो चुके थे क्योंकि उन्हें लगता था कि आर्मी की वजह से हम इंडिया पर कंट्रोल करके रख सकते हैं, लेकिन अब ऐसा टाइम आ गया था कि उन्हें देश की आर्मी, नेवी या किसी भी डिफेंस फोर्स पर अब भरोसा नहीं रहा था, और उन्हें सबकॉन्शियसली ये पता चल चुका था कि अब जाने का समय आ गया है। अब जैसा हमने प्रॉमिस किया था, इस वीडियो के एंड में हम आपको बताएंगे कि आखिर ये रिवोल्ट जो है इसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्या है। सिर्फ 4 से 5 दिन ही रिवोल्ट चला है और हम इस पर इतना ज़्यादा डिस्कशन कर रहे हैं, तो उसका रीज़न बहुत ध्यान से सुनिए। ये जो रिवोल्ट था ये किया था नेवल रेटिंग्स ने। अभी रेटिंग्स जो थे, कर्मचारी थे, ये कौन थे? ये छोटे इलाकों से आते थे, ये गांव के इलाकों से आते थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा दुनिया कभी देखी नहीं थी। इनफैक्ट इनमें से कई लोगों ने तो अंग्रेज़ों को सामने से देखा तक नहीं था। तो ये लोग आए और नेवी ज्वाइन की। नेवी ज्वाइन करने के बाद ये तरह तरह के लोगों से मिले, नए लोगों से मिले, लोगों की बातें सुनी, अखबार पढ़े, दुनिया भर में घूमे, इतने ज़्यादा इलाके घूमे, कभी किसी इलाके को आज़ाद कराया। तो इन सब के बीच इनके दिल में एक बात आती थी कि यार ठीक है, मैं बाकी जगह को तो आज़ाद करा रहा हूँ, लेकिन मैं खुद आज़ाद कब होऊंगा, वो दिन कब आएगा? क्योंकि आप देखिए, अगर इस देश के अंदर कोई बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी उस टाइम, फॉर एग्जांपल इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग, जो कि मेन थे हमें आज़ादी दिलाने के अंदर एज पर आवर हिस्ट्री। अब मैं अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस का मेंबर हूँ, मैं जाकर एक नेवल रेटिंग को कहता हूँ कि भाई मैं आपका नेता हूँ और आपको आज़ादी मैं दिलाऊंगा, वो पूछेगा आप कैसे आज़ादी दिलाओगे? तो मैं उसको ये बोलूँगा कि भाई मैं जो है अंग्रेज़ों के साथ मीटिंग करता हूँ, उनसे बातचीत करता हूँ, उन्हें खत लिखता हूँ, हड़ताल करता हूँ, इंग्लैंड में जाकर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करता हूँ, मतलब मोर और लेस कलम और जुबान के जरिए मैं आपको आज़ादी दिला दूंगा। और हम ये नहीं कह रहे कि ऐसा हुआ नहीं था, इससे आज़ादी मिली नहीं थी, इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, बट आप ये सोचिए कि क्या ये बातें एक गांव से उठ के आए हुए आदमी को समझ आएगी? ऑब्वियसली नहीं आएगी। उसे तो यही लगेगा ना कि भाई अगर मैं गुलाम हूं और मुझे आज़ादी चाहिए तो मुझे ये डंडे के जोर पर ही मिलेगी, मुझे मारना पड़ेगा, विद्रोह करना पड़ेगा, तभी आज़ादी मिलेगी। तो इसलिए उन्होंने ये विद्रोह कर दिया था। अब इस विद्रोह की दूसरी सिग्निफिकेंस ये है कि ये आम आदमी का विद्रोह था। दूसरी तरफ जब इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग या फिर कोई भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी बड़े लोग विद्रोह करते थे जिनका बहुत ज़्यादा नाम हुआ था, अब इन्होंने एक बहुत बड़े लेवल पे किया था, ये लोग ऑलरेडी काफ़ी बड़े थे, लेकिन ये जो 1946 की नेवल म्यूटिनी थी ये छोटे लेवल से शुरू हुई थी क्योंकि ये आम आदमी ने की थी। अब देखिए 1857 का जो युद्ध था, जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, वो भी एक फौजी ने शुरू किया था। 1946 की नेवल म्यूटिनी भी एक फौजी ने शुरू की थी। तो ये जो म्यूटिनीज थी, विद्रोह थे, एक आम आदमी की म्यूटिनी को दर्शाते हैं। कांग्रेस लेवल के जो विद्रोह थे, ये जो थे एक बड़े लेवल के थे, जो बड़े लेवल के लोगों ने किए थे। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। तो यही कुछ कारण है जो कि इस म्यूटिनी को खास बनाते हैं। क्योंकि आप देखिए, हमें अपने इतिहास में, आज़ादी के इतिहास में, उन बड़े सभी इंसिडेंट्स के बारे में पता है जो कि हुए थे, लेकिन ऐसे बहुत इस तरह के बहुत छोटे छोटे इंसिडेंट हैं जिनके बारे में पता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल नेवल म्यूटिनी, आप ट्राइबल रिवोल्ट्स को उठा लीजिए। आप हमारी किताबों में पूरी तरह लिखा होता है भाई बड़े बड़े नेताओं ने ये करा वो करा आज़ादी के लिए, लेकिन जब इनकी बारी आती है, ट्राइबल लीडर्स थे, ट्राइबल एरियाज थे, इनके बारे में कुछ लिखा ही नहीं होता। बस टेक्स्ट बुक के लास्ट में डब्बा बनाकर चाइल्ड लाइन लिख देते हैं कि भाई हाँ ये लोग भी कोई थे। तो हमारे हिस्ट्री में इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जो कि हमें कभी ना बताए गए ना पढ़ाए गए, और इन्हीं इंसिडेंट्स में से एक था 1946 का नौसैनिक विद्रोह। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया किस तरह ये विद्रोह हुआ था 1946 का, इंडियन नेवी का, और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है और आज इसका क्या महत्व है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।